अजमेर विद्युत वितरण निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान हाथीबाटा पावर हाउस पर प्रबंध निदेशक जीएस भाटी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निवारण को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान 50 उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायत जन सुनवाई के दौरान प्रबंध निदेशक को दी, जिनमें से कई पर हाथों हाथ कार्रवाई की गई, वहीं बाकी के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से बिजली चोरी से बचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बिजली चोरी करने वालों पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए सभी उपभोक्ताओं से उन्होंने आह्वान किया कि वे बिजली चोरी ना करें, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। हर मंगलवार की जैसे इस मंगलवार को भी हमने जन सुनवाई रखी है और इस जन सुनवाई में भी आज भी लोगों में उत्साह है, उनकी समस्याओं का समाधान कराने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ समस्याएं ऐसी है जो आज के आज रिजॉल्व हो जाएगी, उनको आज ही कराएंगे, और कुछ समस्याएं इस तरह की है जिनके में 2-3 दिन का टाइम लग सकता है, उसको अगले मंगलवार तक पूरा कराने की कोशिश करेंगे। अभी लगभग 11:30 बजे तक 33 कंज्यूमर ऐसे अपनी ग्रीवेंसेस लेके आए हुए हैं और 12:30 बजे तक हम अभी इसको जन सुनवाई को करेंगे, तब तक और संख्या बढ़ेगी और जो उत्साह है, जिससे लोगों को विश्वास है, उस विश्वास पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे कि हमारी जन सुनवाई में जहाँ तक पॉसिबल हो सभी समस्याओं का समाधान। बिजली चोरी के मामले में आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से उपभोक्ताओं से निवेदन करूँगा कि बिजली चोरी से जहाँ तक हो सके बचें। बिजली चोरी के मामले में हमने अभी सघन विजिलेंस चेकिंग का अभियान भी शुरू कर दिया गया है और पूरे अजमेर डिस्कॉम के क्षेत्र के अंदर विजिलेंस चेकिंग में जो चोरी है उनको या विद्युत के दुरुपयोग को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमारी विजिलेंस की टीम और जो ATPS थाने हैं वो सब मिलके विद्युत चोरी पकड़ने के लिए भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरा सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है वो बिजली चोरी से बचें और एक अच्छा माहौल बने अजमेर डिस्कॉम का, इस तरह का सबसे समझाइश मैं करूँगा कि बिजली चोरी नहीं करें।